देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है, खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। कभी महाराष्ट्र के किसानों के लिए कपास की खेती जंजाल बन गई थी। बढ़ती लागत और कम रिटर्न की वजह से किसान परेशान थे। उन्हें एमएसपी से भी कम दाम मिल रहा था, इसके बावजूद वो इसकी खेती छोड़ भी नहीं पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ कपास की खेती करने वाले किसानों के बुरे दिन खत्म हो दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से उन्हें ओपन मार्केट में एमएसपी से ज्यादा भाव मिल रहा है। वर्धा एवं अकोला में इसका अधिकतम दाम 12,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है, एमएसपी का लगभग डबल। कई साल से कपास की खेती करने वाले परेशान किसानों में इस अच्छे दाम ने खुशी की लहर पैदा कर दी है। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा ही भाव अगले सीजन में भी रहेगा, जिससे उनकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। महाराष्ट्र में कपास मुख्य फसल है, ज्यादातर किसानों की जिंदगी इसी पर निर्भर है। ऐसे में अच्छे दाम से किसान खुश हैं। इस साल अकोट मार्केट कमेटी में किसानों को अब तक का सबसे ऊंचा दाम 12,000 रुपए प्रति क्विंटल मिला है। इस मार्केट में कपास के दाम का रिकॉर्ड बन रहा है। बता दें कि कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,025 रुपए प्रति क्विंटल है। कुछ साल से कपास की गिरती कीमतों और गुलाबी सुंडी के प्रकोप से कपास का रकबा दिन प्रतिदिन घटता जा रहा था। मराठवाड़ा सहित विदर्भ में खरीफ सीजन के दौरान कपास मुख्य फसल हुआ करती थी, लेकिन पिछले 2 साल से स्थितियां काफी बदली नजर आ रही हैं। कपास का रिकॉर्ड भाव मिल रहा है। कपास महाराष्ट्र की प्रमुख फसलों में शामिल है, इसलिए कृषि विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले खरीफ में रकबा 5 से 7 लाख हेक्टेयर बढ़ जाएगा। यहाँ कपास का रकबा अभी 38 से 40 लाख हेक्टेयर है। कृषि अर्थशास्त्री कहते हैं कि जिन फसलों को सरकार बढ़ावा देना चाहती है उसका अच्छा दाम दिलाना होगा। दाम मिलेगा तो किसान अपने आप उस फसल की ओर चले जाएंगे, और दाम नहीं मिलेगा तो जाहिर है कि किसान उसकी खेती छोड़ देंगे। उदाहरण के तौर पर हम सरसों की खेती को ले सकते हैं। तिलहन को बढ़ावा देने की बात सरकार कई साल से कर रही है, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन 2 साल से अच्छा दाम मिलने लगा तो इस बार सरसों की बुआई 18 लाख हेक्टेयर तक अपने आप बढ़ गई। यही हाल कपास का भी है। इसका अच्छा दाम मिल रहा है तो निश्चित तौर पर आगे किसान इसकी ज्यादा बुआई पर जोर देंगे। फसल पैटर्न में बदलाव किसानों द्वारा किया जाता है। जो भी फसल अच्छा दाम देगी उसे वो अपने आप अपना लेंगे। जब कपास का दाम कम था और सोयाबीन की कीमत ज्यादा थी, तब सोयाबीन की खेती ज्यादा होने लगी थी। सोयाबीन भी यहाँ की प्रमुख फसलों में से एक है। इसका दाम भी एमएसपी से डबल मिला है। ऐसे में इसकी बुआई भी अच्छी खासी होगी। अब दरों में बदलाव ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहाँ किसान फिर से अपना मन कपास की तरफ बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।